इसमें सबसे पहले घरेलू शब्द समझा जाए। देखिए सकल उदान में सकल माने होता है सारा सारा कुल। अच्छा उत्पाद का मतलब उत्पादन, और घरेलू शब्द को समझना है, घरेलू का मतलब होता है भौगोलिक सीमा के भीतर। अब भौगोलिक सीमा को समझना होगा क्या है, ग्रास माने सारा या कुल, डोमेस्टिक माने घरेलू, घरेलू का मतलब होता है अंडर द जियोग्राफिकल बाउंड्री, और उत्पाद का मतलब उत्पादन, सारा घरेलू उत्पादन, मतलब किसी देश के अंदर कुल कितना उत्पादन होता है। अगर ध्यान सुनिएगा, ये भौगोलिक शब्द का मतलब होता है खड़ा कठिन प्रश्न। और इसके अलावा लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, ध्यान सुनिएगा, इसके अलावा हमारे पास ये 200 नॉटिकल माइल की जगह संयुक्त राष्ट्र में दिया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अंतर्गत। ये 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर में आता है। ये क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ध्यान से सुनिएगा, जब हम भौगोलिक सीमा की बात करते हैं उसमें क्या क्या आता है, एक तो ये भारत का पूरा भूगोल, इसलिए क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है एनी प्रोडक्शन इनसाइड दिस बाउंड्री जीडीपी। ये जीडीपी परिभाषा है कि भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कोई बना ही रहे होने वाला उत्पादन, कोई उत्पादन या कुल उत्पादन, कोई उत्पादन रखना नहीं है, कोई चीज ये नहीं कि रोज जीडीपी रख रहे रख रहे रोज भूल रहे हो गया जीडीपी। है भारत की भौगोलिक सीमा के लिए इसको समझना होगा कि भौगोलिक सीमा क्या, थोड़ा ही समझाए क्योंकि भूगोल का मतलब कई बार आप जमीन ही समझ लेते हैं। 200 नॉटिकल माइल को जब कन्वर्ट करेंगे ना तो 370 किलोमीटर हो जाती है। ये हम लोगों को किसने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जानते हैं ये, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और भारत का 22,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, भारत का कुल क्षेत्र कितना 32,87,263, और 22,00,000 आपको इधर से मिल गया तो भारत का क्षेत्र कितना हो गया 32,87,200, और फिर 22 जोड़िए लगभग 52,53,00,000 के आसपास भारत का क्षेत्र है। अरे इसके अलावा अंतरिक्ष में जो हम लोग घेर रहे हैं सैटेलाइट वगैरह, इसके अलावा जानते हैं जो हम लोग गंगोत्री मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल पे जगह, इसीलिए इकोनॉमी में लोग गलती कर जाते हैं, जो इसी को भूगोल समझते हैं उनका क्वेश्चन गलत। अच्छा प्लस जहाँ जहाँ हमारा दूतावास है वो भी जगह आपकी है, वहाँ पे जहाँ देखिए भूगोल जानते हैं कहा जाता है, जहाँ आपकी संप्रभुता होगी जिस स्थान पर जिस जगह पर किसी देश की संप्रभुता होती है उसे उस देश का भूगोल कहा जाता है। अब अमेरिका में हमारा दूतावास है तो उस जगह पे अमेरिका की पुलिस थोड़ी घुस सकती है, जैसे अमेरिकी दूतावास में क्या हमारा दिल्ली पुलिस चली जाएगी, कभी भी नहीं। क्या हमारी कोई सेना चली जाएगी, कभी भी नहीं। वो अंतर्राष्ट्रीय जनता जिनेवा संधि से
वो ही वियना संधि से, जो आप वियना कंसर्ट है, उसमें बिना उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन हो जाएगा अगर उसमें चले गए बिना उस दूतावास की अनुमति के, भले ब्रिटेन का दूतावास इसी देश में, लेकिन जगह नहीं हमारी है वो। किसकी जगह है वो? अगर वहां कोई गतिविधि होगी, आजकल वाणिज्यिक दूतावास है तमाम, तो वहां होने वाली कोई गतिविधि, जैसे विदेशों में अमेरिका में मान लीजिए हमारा वाणिज्यिक दूतावास डेनवर में, अमेरिका की दो राजधानी पता है ना, एक है वाशिंगटन, दूसरा डेनवर, शीतकालीन राजधानी अमेरिका की है, और अमेरिका की बारहमासी राजधानी जानते हैं वाशिंगटन, और दूसरी राजधानी डेनवर। तो मान लीजिए डेनवर में हमारा वाणिज्यिक दूतावास है, हम लोगों का वाणिज्यिक दूतावास न्यूयॉर्क में, हम लोगों का जानते हैं वहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को में बनाया है हम लोगों ने, इसके अलावा हम लोगों ने न्यूजर्सी में बनाया है, इंडियाना में बनाया है कि नहीं, उन सब जगहों पर हम लोगों का वाणिज्यिक, वहाँ पे जो आर्थिक गतिविधि के लिए निर्णय लिया जाता है उसका होने वाला वैल्यू कहाँ जुड़ेगा? भारत की जीडीपी में, बात समझ रहे? तो भारत के भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कोई भी उत्पादन जीडीपी है, जिसमें मेजर तो ये दिखता है इस नाते इसके बीच में लिख दिया। अच्छा, लेकिन देखिए क्या क्या आता है इस भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक सीमा का कैलकुलेशन देखिए। तो पहला, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल मतलब भौतिक क्षेत्रफल, फिजिकल एरिया, प्लस ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, प्लस डिप्लोमेटिक ऑफिस जितनी हमारी है दुनिया में, डिप्लोमेटिक ऑफिस। अच्छा, डिप्लोमेटिक ऑफिस को क्या कहा जाता है हिंदी में? दूतावास। डिप्लोमेसी को क्या कहा जाता है? भारत में कूटनीत नहीं कहा जाता डिप्लोमेसी को, डिप्लोमेसी के लिए कूटनीति सब वर्जित है, कभी यूज मत करिएगा। डिप्लोमेसी को राजनय कहा जाता है, और डिप्लोमेसी को राज, डिप्लोमेसी को भाई, डिप्लोमेट को राजनय और डिप्लोमेसी को राजनय, कभी कूटनीति सब नहीं, विश्वविद्यालय में यूज किया जाता है, जो लोग विश्वविद्यालय पढ़ते हैं ना वहाँ डिप्लोमेसी को कूटनीति बताया जाता है, कूटनीति नहीं बोला जाता हमारे देश में। आप देखिए नारायण सर को बुलाएंगे किस दिन, वो क्या रहे हैं राजनय, बहुत प्रसिद्ध राजनय, वो अमेरिका में जानते हैं 24 सालों तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत रहे, प्रतिनिधि रहे, और 12 सालों से मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, जब से रिटायर हो गए 2004 में, वो विदेश विभाग के डायरेक्टर भी रहे, हमारे आईआर में हम दोनों लोग मिलकर पढ़ाते रहे पिछले 12 सालों से, और वो 24 सालों तक उनका अंग हो रहा, इसीलिए हम लोग तो रियल चीज़ पढ़ाते रहे, क्वेश्चन आ जाता रहता है कि नहीं, तो पिछले 12 साल हो गए पढ़ाते, अभी अभी उनका पैर थोड़ा खराब है, लेकिन तभी आएंगे क्योंकि अपने परिवार से जुड़े हुए इस संस्था के संस्थापक रहे, तो इस नाते कुछ क्लासेस में उनको दिलाऊंगा भाई, जैसे संयुक्त राष्ट्र, अब उनसे बढ़िया क्या, कोई किताब पढ़ के कोई बताएगा एक आदमी 24 साल में काम किया है? एक है कई देशों में वो राजदूत रहे, राजनयिक रहे, एक है कि आप कई बार किताब, मेरा मानना है हर चीज़ किताब से नहीं पढ़ना चाहिए, व्यवहारिक समझ भी होना चाहिए। देखिए डिप्लोमेटिक ऑफिस का मतलब क्या हो गया? राजनयिक कार्यालय। अब राजनयिक कार्यालय में क्या क्या आता है बोलिए? राजनयिक कार्यालय में देखिए, एक तो एम्बेसी आता है, एक हाई कमीशन, एम्बेसी को दूतावास कहा जाता है। अब देश में दूतावास नहीं है हमारा, जो जहां पे ब्रिटेन का शासन था तो विदेश का वहां क्या होता है? उच्चायोग, वहां हाई कमीशन कहा जाता है, और आजकल जानते हैं कंसुलेट ऑफिस हम लोगों का है काफी, जैसे अमेरिका का दूतावास तो दिल्ली में, लेकिन कंसुलेट ऑफिस मुंबई में है, खुद लखनऊ में खुल गया है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बंगलुरु, वाणिज्यिक दूतावास। कंसुलेट ऑफिस का मतलब वाणिज्यिक दूतावास। अच्छा, ये प्लस अभी तो तीन ही चीज लिखा, प्लस पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र जो हमारे कब्जे में है, जैसे गंगोत्री, भारती, मैत्री है, ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे दक्षिणी गंगोत्री, ये 1983 में हम लोगों ने बनाया था, मैत्री हम लोगों ने 1988 में बनाया था, और भारती
भी हम लोगों ने 2012 से स्टार्ट किया और इसके अलावा हिमाद्री उत्तरी ध्रुव पर 2008 में हम लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छा, इसके अलावा हमारा स्पेस और डीप स्पेस, स्पेस माने अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह नहीं है, उनके द्वारा भी तो हम पैसा कमा रहे हैं, संसाधन बढ़ा रहे हैं। और डीप स्पेस जैसे चंद्रयान, मंगलयान या हम छोड़ेंगे तो स्पेस एंड डीप स्पेस। फिर टेक्नोलॉजी को जानना बहुत जरूरी, नहीं तो इकोनॉमी जानते आपको लगेगा वैसा हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन यूपीएससी का गलत करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इकोनॉमी का टीचर कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं जानता। आज के समय अधिकतर प्रश्न गलत हो जाए, क्योंकि जोड़ा तो सब जाता है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो सारा लिखा हुआ है, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कैसे लिखा हुआ है। लेकिन वो आप किसी कोचिंग में जाएंगे तो नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको आता ही नहीं, उसके लिए साइंस आना पड़ेगा ना, साइंस की गहरी समझ होनी, तब आप आर्थिक गतिविधियों को कैलकुलेट कर पाए। देखिए कितनी गतिविधि हो गई, एक तो हो गया नंबर एक, ये नंबर दो हो गया, ये नंबर तीन हो गया, ये नंबर चार हो गया, ये नंबर पाँच हो गया, ये नंबर छः हो गया, ये मतलब भारत के फुटबॉल में छह चीजें। डीप स्पेस जानते किसे कहा जाता है? दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष, दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस कहा जाता है, और पृथ्वी के अंतरिक्ष को स्पेस। जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो वो लिख लेंगे घर के किनारे, स्पेस का मतलब होता है पृथ्वी के अंतरिक्ष को स्पेस कहा। सब आगे पढ़ना चाहिए आपको। अब देखिए, अभी इन लाइन की एक परिभाषा है, लेकिन भारत के भौगोलिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, क्योंकि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां भारत की संप्रभुता पाई जाती है, जहां भारत की संप्रभुता पाई जाती है, जहां भारत की संप्रभुता पाई। अच्छा, जहां संप्रभुता होगी वही तो आप, वही तो कोई चीज उत्पादन हो रहा होगा, वही तो भारत के उत्पादन का लाभ मिलेगा भारत को। लेकिन जहां संप्रभुता होती है सोवरनिटी, जहां संप्रभुता होती है सोवरनिटी होती है, वही के उत्पादन की गणना हो पाती है, वही के उत्पादन की गणना हो पाती है। आप परिभाषा लिखे जीडीपी की, डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी की परिभाषा। अब देखिए भारत के भौगोलिक सीमा के भीतर, जिसमें ये छह चीजें हैं, भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन जीडीपी कहलाता है भारत का। देखिए कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन उसकी जीडीपी कहलाता है। किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन उसकी जीडीपी कहलाता है। किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन उसकी जीडीपी कहलाता है। कुल उत्पादन उसकी जीडीपी कहलाता है। कि जैसे भारत के भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन, जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन भारत का जीडीपी कहलाता है। जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला कुल उत्पादन भारत की जीडीपी कहलाता है।
जीडीपी की अवधारणा आधुनिक समय में साइमन कुजनेट्स के द्वारा दी गई। देखिए जीडीपी की अवधारणा आधुनिक समय में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स के द्वारा दी गई। जीडीपी की अवधारणा आधुनिक समय में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स के द्वारा दी गई। जबकि भारत में जीडीपी की अवधारणा 1951 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा दी गई। इतनी बात समझ गए। अब देखिए जीडीपी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ जीडीपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीडीपी लिख लेंगे ना, फीचर्स FEAPURES, फीचर्स ऑफ जीडीपी या जीडीपी की विशेषताएं हिंदी में। समझा नहीं रहे ताकि थोड़ा समझेंगे आप, लेकिन ध्यान सुनिए बहुत गहराई से ताकि हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ कम से कम इकोनॉमी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाता हूँ उसको दोबारा जानते आपको पढ़ना ना पड़े, उसी दिमाग उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। आप भी थोड़ा सहयोग करें, समझने की ज़्यादा कोशिश करें। एक चीज़ मैं बता दूँ, 25 साल के बाद जानते हैं याद करने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है, इसलिए जो समझेगा उसी को याद रहेगी कोई चीज़। जैसे मैं हमारे पास इतनी सारी चीज़ें क्यों याद रख, इसका रीज़न है कि मैं इन सभी विषय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, कभी आप भुलवा नहीं सकते। इसलिए इतना साल 14 साल हो गया मैंने कभी एक भी पेज लेके मैं पढ़ाने नहीं जाता, चाहे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, चाहे आईआर पढ़ा रहा हूँ, चाहे इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि जिस विषय को आप गहराई से समझते हैं, जिसमें आपका की भावना होती है, उसे क्या भूल सकते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए आप अपने जाते समझ में भावना डालिए, अपने समझ को जानते हैं, अपने को उस विषय से जोड़िए, रूबरू करिए। इसलिए खाली लिखना नहीं, तो ऐसा लिखना बेकार है। 5-5 साल तैयारी करना करते हुए बहुत लोगों के हो गया, बहुत लोगों को हो गया, और वो जानते हैं छोटी छोटी चीज़ उनको नहीं मालूम। अगर आप पिछले जीडीपी समझाइए वही नहीं समझा पाएंगे। यही पूछ लीजिए किसने जीडीपी का उदाहरण दिया, 5 साल पुराना स्टूडेंट, आपको सीनियर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने कभी उसको उस भावना के साथ पढ़ा नहीं। अच्छा यही पूछ लीजिए जीडीपी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं बता पाएगा। देश का कुल संसाधन को रिप्रेजेंट करता है, देश के अंदर कुल मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाता, मतलब कुल मटेरियल को बताता है, देश के अंदर कुल कितना मटेरियल है। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक एक पॉइंट तब लिखना है। देखिए जीडीपी क्या क्या दर्शाता है, फीचर्स मतलब विशेषता, विशेषता मतलब क्या है। सबसे पहले बात, जीडीपी कुल उत्पादन को दर्शाता है। अच्छा चाहे उत्पादन हमारे देश के नागरिकों के द्वारा किया गया हो या विदेशी नागरिकों के द्वारा किया गया हो, लेकिन बहुत लोग जैसे शब्द सुनते हैं विदेशी नागरिक तो सुनते हैं तो इसका मतलब हमारा है ही, आपका ही। आप जानते देखिए तो देश के भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया कुल उत्पादन जीडीपी का लगा, चाहे अपने नागरिक कर रहे हो चाहे दूसरे देश के नागरिक कर रहे हैं। दूसरा उत्पादन तभी कर सकता है जब उसके लिए आधारभूत संरचना होगी, जब उसके लिए डिमांड होगी, जब उसके लिए व्यवस्था होगी। जैसे आप यहाँ आकर के तभी पढ़ सकते हैं जब माहौल होगा। आप हमारी क्लास में कब रुकेंगे, जब आपको लगेगा ये क्लास उस लायक है, जब लगेगा उसके लायक है नहीं ना लायक है तो आप यहाँ रहेंगे। सर्विसेज का उत्पादन कब होगा, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाऊंगा और आप कब पढ़ेंगे, जब आपके लायक होगा। तो अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब उसकी अर्थव्यवस्था में पोटेंशियल है। किस चीज़ का पोटेंशियल है, पहली बात तो प्रोडक्शन का एनवायरमेंट है, नंबर दो प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर तीन प्रोडक्शन के लिए डिमांड है। बिना डिमांड की कौन सा उत्पादन होगा भैया, अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, मान लीजिए आप आईआर हमसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं, या आप इकोनॉमी नहीं पढ़ना चाहते हैं हम कैसे पढ़ा सकते हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते, डिमांड से सप्लाई होती है ना। जैसे मेरे अंदर सर्विसेज है, लेकिन सर्विसेज प्रोड्यूस तो तब होगी जब आप डिमांड करेंगे। इसका मतलब है जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या है, आंतरिक क्षमता है। ध्यान रखिएगा
जीडीपी किसी भी देश के ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरनल स्ट्रेंथ को डिफाइन खाली सुनना है ताकि इसमें हम 10-15 मिनट समय लेना चाहते हैं। एक एक पॉइंट, जीडीपी किसी भी देश के इंटरनल पोटेंशियल को दर्शा रहा है। अगर किसी देश की जीडीपी बड़ी है इसका मतलब उस देश में दम है। अब देखिए अमेरिका की जीडीपी सबसे बड़ी है, मतलब उसमें बहुत दम है, इसका मतलब उसकी आधारभूत संरचना, उसके यहाँ वर्किंग एनवायरमेंट, वर्क कल्चर, उसके लिए पॉलिसीज, उसके लिए सिक्योरिटी, लॉ ऑर्डर। हमारे यहाँ तो बहुत क्षेत्रों में आप काम कर ही नहीं सकते, तब तक डाकू आ जाएंगे आपको उठा ले जाएंगे सारा सामान। या पता चला सुबह से शाम तक हर जगह थोड़ी काम कर सकते हैं। अब 9 बजे तक दिल्ली में हम लोग 9:30 बजे तक क्लास लेते हैं, 10 बजे तक कई बार, लेकिन जानते अगर यही चीज़ आप चंबल की घाटी में करें क्या वहाँ उत्पादन ऐसे हो पाएगा? तब तक डाकू आ जाएंगे कहेंगे बहुत हो गया आप इतना उत्पादन हुआ लाइए मेरी चीज बह गई इसी भर दीजिए मैं सारा आपका ले जा रहा हूँ लेकिन उसमें मेरा हिस्सा है। या नक्सलाइड एरिया में आप देखते हो क्या फिरौती मांगने आ जाते हैं या हफ्ता वसूली आ जाते हैं या रोज वसूली आते हैं। तो इसका मतलब उत्पादन अगर कहीं पे है इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है। चीन की इकोनॉमी जानते हैं दूसरे नंबर पे, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल है। अगर मैं थोड़ी थोड़ी बात करूँ खाली आपको समझाने के लिए भी बात में लिख पाएंगे, जैसे पूरी दुनिया की कुल जीडीपी जानते हैं कितने की है? 80 बिलियन। पूरी दुनिया में कुल इतना ही संसाधन है, इतनी ही समृद्धि है, 80 ट्रिलियन। अब इसमें अकेले यूएसए का 20.4 ट्रिलियन। ये मैं आईएमएफ के अनुसार लिख रहा हूँ। आईएमएफ एकमात्र संस्था है जो जीडीपी के साइज को अप्रूव करती है, वर्ल्ड बैंक भी करता है लेकिन आईएमएफ उसी के लिए बनाया ही गया है, इसलिए सारा डाटा मैं जनरली आईएमएफ का या भारत सरकार का लिखूंगा। अच्छा दूसरा देखिए, अभी लिखना नहीं खाली सुनिए बाद में मैं लिखाऊंगा। जैसे चाइना है तो चाइना की लगभग 13 ट्रिलियन के आसपास हो गई लमसम। अगर तीसरा देखेंगे जीडीपी तो जापान की है और जापान की 4.97 मतलब लगभग 5 ट्रिलियन में लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो सबका बढ़ेगा नहीं अब ज़्यादा इसलिए उसको आगे बढ़ा के नहीं लिख रहा। अच्छा अगर आप देखेंगे जर्मनी की, जर्मनी का तो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है, 3.5 से 4 है। अच्छा आप पाँचवें नंबर पर अगर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम यूके है, अभी ये ज़्यादा दूर नहीं है हम लोगों से 2 पॉइंट, वैसे तो इससे हम लोग क्रॉस कर चुके डाटा के अनुसार, लेकिन चूंकि अभी ये 3.28 ट्रिलियन है और आईएमएफ के अनुसार हम लोगों का 2.71 है, वैसे हम लोग 2.92 तक पहुंच गए, 3 ट्रिलियन तक पहुंच गए प्रधानमंत्री ने। और आपने देखा होगा कि संसद में भी कहा गया कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम हो चुके हैं, 210 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन 2.7 ट्रिलियन। अब अगर ऐसे देख रहे इसका मतलब देखिए तो मेजरली 20 से 13 हो गया और 4 मतलब आधे से ज़्यादा जी डी पी जानते हैं 1-2-3 देश तक में मतलब समृद्धि समाई हुई है। इसीलिए बाई चांस अगर आपका वीजा अमेरिका का लग गया जानते क्या हो जाएगा आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। वीजा को न्याय कहा जाता है क्योंकि अगर आप अमेरिका और अच्छा अमेरिका में एक घंटे की न्यूनतम मजदूरी जानते $20 वहाँ घंटे मजदूरी जैसे हमारे यहाँ दिन का है ना कि एक दिन में न्यूनतम इतना मजदूरी 117 रुपये या 180 रुपये 150 रुपये ऐसे, वहाँ दिन की मजदूरी नहीं वहाँ घंटे की। और मान लीजिए अमेरिका का वीजा लग गया और 5 घंटे आप झाड़ू भी लगा दीजिए अमेरिका में तो 5 घंटे झाड़ू लगाने का मतलब कितना बन जाएगा आपका $100। और $100 का मतलब जानते कितना रुपया होता है लगभग 7,000 रुपये। और 30 दिन अगर आप ऐसे जोड़ लीजिए 7 तरीके कई 2,10,000 5 घंटा झाड़ू लगाने में मतलब अगर न्यूनतम भी आप अमेरिका में काम करेंगे तो मान के चलिए 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये महीने का आमदनी है वहाँ। और मान लीजिए आप 2 साल वहाँ रुक गए तो यहाँ आएंगे बड़ा सा गाड़ी बड़ा सा घर सब खरीद लेंगे, कोई IAS बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सामान्यतः नौकर का काम करने से। और बाकी बड़े पद पर और चले गए तो हमारे एक रिश्तेदार हैं वो जाते हैं रिलेटिव हैं वो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज था वहाँ से बीटेक किया तो उनकी कहीं नौकरी नहीं लगी, बाई चांस एक ऑस्ट्रेलियन फर्म में उनकी नौकरी लगी चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया में जो कंपनी काम करती थी वो उसका बिजनेस जानते हैं अमेरिका में था तो बाई चांस वहाँ से उनका संयोग उनके जीवन का वो भी जानते गौरवशाली थे करियर का वहाँ से वो चले गए अमेरिका। अमेरिका में उनको ग्रीन कार्ड मिल गया कम से कम 600 करोड़ के मालिक हैं, यहाँ होते तो उनका वेतन ही 1 लाख के आसपास हुआ होता अगर उनका सरकारी नौकरी भी पा गए होते भाई उनके साथ के इंजीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक पहुँचे बस।
और सभी टिंडन इंजीनियर 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, और थोड़ा थोड़ा अभी खुद उन्होंने जानते हैं कम से कम 100-200 एकड़ जगह लिया, 3-4 जगह यहाँ लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मकान खड़ा किया, और वहाँ अमेरिका, अब तो अमेरिका के नागरिक हैं, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा मकान, यहाँ पे वाशिंगटन में, क्यों? क्योंकि उतने ही काम की वहाँ बहुत वैल्यू। जैसे गाँव में अगर आप ऐसे किसी के घर बैठेंगे तो लोग आपको डांटेंगे भगाएंगे, लेकिन दिल्ली में आके किसी दुकान पर बैठेंगे तो आपको 7-8 हज़ार दे देगा, आप कहेंगे बैठने का, हाँ कहेगा बैठने का, हमारा दुकान आपने देखा, जैसे इसी कोचिंग में आप बैठ जाइए सुबह से शाम तक, इसका मतलब 10,000-8,000 का काम आपने कर दिया, आप कहेंगे बैठने का, हम कहेंगे आप बैठने का जी, आपके नाते कोचिंग खुली थी यही, लेकिन अमेरिका में जाके बैठ जाएंगे वो कहेगा 2 लाख, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ क्षमता इतनी ज़्यादा है कि उतने ही काम का उतना वैल्यू है। तभी लोग कहते हैं, पहले कहते थे ले लगता चल कलकत्ता, नहीं लगता मानी कपड़ा, कि भाई नहीं काम मिल रहा है तो कलकत्ता चलिए, और अभी क्या करते हैं लोग दिल्ली और मुंबई भागाते हैं, क्यों? क्योंकि दिल्ली में आएंगे जरूर कुछ ना कुछ पैसा, जिसको गांव में लोग डांटता है वो तो दिल्ली मुंबई में आता है तो उसको भी 5-6 हज़ार मिलने लगता है, और गाँव में पूरा घड़ी वड़ी लगा सारा जाता है वो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में जानते हैं GDP जो है, दिल्ली में आर्थिक गतिविधि ज़्यादा है, आपको शायद नहीं पता हो या पता हो, भारत की टोटल जो GDP है ना उसकी 88% GDP शहर में, खाली 12% गांव में, इसलिए गांव में कोई भी काम करिए उतना आया नहीं हो, शहरों में आकर के 8-10 साल लगाइए, आज के 12-15 साल पहले पीछे जाएंगे तो हम लोगों के पास भी इतनी समृद्धि नहीं, एक 10 साल में इतना सारा समृद्धि शहर में रहते ही हो सकता, क्योंकि शहर में काम की वैल्यू ज़्यादा है और शहर में प्लस आय के साधन ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा मोड़ा भी काम करेंगे 4-5 लाख महीने 10 लाख रुपये महीना तो आप निकाल ही ले जाएंगे यहाँ, बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप गांव में सुनते होंगे कि गांव का कोई आदमी मुंबई गया 10 साल बाद लौट के आया, चाहे कितना भी अनपढ़ रहा हो उधर से जाते करोड़पति बन के आया, तो आप सोचते हो कि बड़ा मेहनत किया, मेहनत तो बहुत लोग करते, किसान बहुत मेहनत करता, लेकिन मेहनत के लिए पेमेंट नहीं है ना, लेकिन शहर में उसी मेहनत का क्या है, पेमेंट है। और मैं आपको, आप अक्सर चकित होंगे, मैं एक बार जानते हैं यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट है मोहन मिश्रा IAS है, वो तो अक्सर आजादपुर मंडी आना जाना होता है, वो मंडी सचिव है इस समय, 2007 के बैच में रहे थे और 66वीं लाइन उनके आई थी, तो एक दिन मैं गया बाई चांस वहाँ पे, तो इन लोगों ने कहा सर आइए चाय पिलाते हैं, अच्छा फिर मैं कुछ बगल में अवधि में फ़ोन पर बात करने लगा, किसी का फ़ोन लखनऊ से आया, उन्होंने कहा सर आप लखनऊ से या उसके आसपास से, मैंने कहा हाँ, कहा मैं आपको चाय पिलाऊंगा और ये ऐसे, तो मैंने कहा भाई आप क्यों पिलाएंगे, आप सब्जी का काम करते, मैं अरे उनका आप मुझे हल्के नहीं ली थी, मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा आप सब्जी का काम करते, तो उन्होंने कहा सब्जी का काम करते हैं, फिर किसी ने मुझे बताया बाद में, मोहन ने जब मुझे बताया कहा ये 200-300 करोड़ का मालिक, तो मैंने पूछा कि भाई पढ़ा लिखा नहीं 8वीं 9वीं पास होगा, तो मैंने पूछा कि कैसे हुआ, तुमने बताया कि 15-20 साल पहले इसी मंडी में काम करने के आए, तो धीरे धीरे सारा काम सीख गए, अब अदरक का व्यवसाय करते हैं, पर डे 400 ट्रक अदरक उनके पास आती है, और हर ट्रक में जानते हैं वो 2-4-5 लाख कमा लेते, मतलब पर डे की इनकम 50-60 लाख, सब्जी बाजार में अब क्या करना, इधर से मंगाना इधर भेजना, कोई घर थोड़ी रखना है, नेपाल से 400 ट्रक आई चली गई जानते अलग अलग मंडियों में 2-2 ट्रक, मतलब बड़े स्तर पे व्यापारी हो चुका है, और रहता पहले वैसे ही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्थिक गतिविधि ऐसी है, ऐसा नहीं कि उसने कोई क्रांति कर दिया, शोध कर दिया, कलाम बन गया और नारायण मूर्ति बन गया, ऐसा नहीं है, उस सिचुएशन का लाभ है, वहाँ संसाधन ज़्यादा है, आर्थिक समृद्धि ज़्यादा है, और ये सब ज़्यादा होने के कारण उसके पास आय ज़्यादा हो गई, इसीलिए जिसकी GDP ज़्यादा होगी, जैसे भारत में ही गाँव की GDP कम है, गाँव में आर्थिक गतिविधि कम है, शहर में आर्थिक गतिविधि, अच्छा मुंबई में और ज़्यादा आर्थिक गतिविधि है दिल्ली से भी ज़्यादा, इसलिए मुंबई में जाएंगे तो आपका जीवन और धन्य हो जाएगा, सेम काम जिसके लिए आपको 5,000 मिलता है तुरंत आपको 8,000-9,000 जरूर मिलेगा, और सेम यही भारत से लोग पढ़ रहे टीचिंग करने ही जाते हैं विदेशों में टीचिंग करने जाते हैं, और वहाँ टीचर का पेमेंट 3-4 लाख की प्राइमरी पढ़ाने, भारत में जो लोग मजदूरी करते हैं ना वो सऊदी अरब में मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ 40,000 देता महीना पेट्रोल पंप पे खड़ा होने का रूट चलाने का भीड़ चलाने का 40,000, क्यों? क्योंकि उसकी GDP का आर्थिक गतिविधि ज़्यादा है, वहाँ आर्थिक गतिविधि ज़्यादा होने के नाते पैसा ज़्यादा, इसलिए सारा न्याय जानते हैं GDP, बहुत लोग कहते हैं मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, ये आपकी ही कमी नहीं है,
आपकी भी कमी है, लेकिन केवल आपकी ही कमी नहीं, जहां आप रह रहे हैं वहां की आर्थिक गतिविधि इसका मतलब आपको इंक्लूड नहीं कर पा रही, उसके पास इंक्लूजन पोटेंशियल नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था के आंतरिक शक्ति को दर्शाता, पहला पॉइंट ये देखिए, जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आंतरिक क्षमता को दर्शाता, इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता, इंटरनल पोटेंशियल। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आंतरिक क्षमता को, इंटरनल पोटेंशियल और इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आंतरिक क्षमता को दर्शाता है, ये समझ गए सब लोग कि आंतरिक क्षमता को, जीडीपी ज्यादा होने का मतलब ही आप कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए निवेश करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स 2400 घंटे बिजली, परिवहन की सुविधा, संचार में 5G तक पहुंचना पड़ेगा, ऐसे अनेक सुविधाएं जब देंगे तब 5 बिलियन की इकोनॉमी हो। जैसे मैं कहूँ कि आप हमारे साथ पढ़िए, पूरा जीएस पढ़िए या पूरा ये सारा पढ़िए, तो ये आप तभी पढ़ेंगे जब आपको क्वालिटी और पोटेंशियल दिखेगा, नहीं कहेंगे एक ही हो गया वही नहीं अपा, अब अगले बार एडमिशन लेना नहीं इनके यहाँ, एक फीस जमा हो गया वही किसी तरीके से फीस निकाल रहे हैं, बहुत बच्चे जानते हैं कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, फीस निकाल रहे हैं, क्योंकि फीस एक बार 1.5-2 लाख जमा कर दिए, अब वो पढ़ाई नहीं जान चुके हैं, तो उनके अनुकूल नहीं है उस कोचिंग में, लेकिन आप पूछे क्यों पढ़े सर, पैसा जमा कर दिया फीस निकाल रहे हैं। अब एक लोगों ने मुझे बताया कि वो हिंदू पेपर लेते हैं तो रोज 1 घंटा पढ़ते हैं, तो मैंने कहा क्यों पढ़ते हैं, कहा सर समझ नहीं आता, मैंने कहा क्यों, कहा 12 रुपए का आता है 10 रुपए का, तो हमने कहा क्या पैसा निकल जाता है रोज शाम तक, इसलिए वो पढ़ते हैं उस पेपर को, क्योंकि 8 से 10 रुपए शायद या 12 रुपए पेपर आता है, 10 या 12 जो भी आता है, तो उतना महंगा होने के नाते 2 घंटा अपना दे देते हैं उसको पेपर को, ताकि पेपर का पैसा ऐसे निकाला जाए, किसी सोच है जानते हैं कि कोई चीज में खर्च कर दिया तो उसका अनामाल, अरे भाई ये छोड़ने की भी आदत होनी चाहिए, जब आप समझ गए पेपर नहीं समझ में आ रहा क्यों उसमें मैं तो जूझ रहे हैं, पेपर लेना अलग चीज है पढ़ना अलग चीज है, ले करके भी नहीं पढ़ा जाता है, जिस दिन मन हो उसे पढ़ा, पता चला उसके नाते डिक्शनरी खोलते हैं, फिर डिक्शनरी में लग जाते हैं, फिर मीनिंग याद फिर मीनिंग याद करते हैं, फिर असली पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, फिर 2 साल के बाद जानते समय, समय बहुत कम होता, सुबह उठ करके 2 घंटा अगर पेपर में चला गया, पेपर वो पढ़ना चाहिए जो समझ में आए, पढ़ाई वो करनी चाहिए जो समझ में आना, अनायास की पढ़ रहे हैं, अनायास पढ़ के फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे ना, अगर आप नहीं आएगा तो सोचेंगे कुछ निकला नहीं, शाम तक कुछ हुआ नहीं, शाम तक की वैल्यू आप निकालिए तो क्या निकल के आएगा, ऐसे बहुत विद्यार्थी, मतलब ये मैं आपको बताऊँ 99% स्टूडेंट इस तरीके के, और ऐसे व्यक्ति भी होता है, स्टूडेंट ये नहीं, सामान तक कोई सामान आप खरीद के लाते खराब भी आ गया तब कहते लाइए अभी आम खरीद के लाए, मान लीजिए आप सड़ा दे आप जल्दी उसको खाएंगे सड़ा, अरे उसको फेंकी, ये हमारी प्रवृत्ति है, जैसे कोई नया कपड़ा खरीद के लाएंगे पहले उसको 1 साल रख देंगे कि ये पुराना हो जाए तब पहनेंगे, नया चीज पहनने की क्षमता नहीं है, पुराना चीज पहनेंगे और नई चीज ला के बक्से में बंद कर देंगे, अब पहले जब वो पुराना हो जाएगा 1 साल बाद तब उसको पहनना, कहेंगे ये मेरा नया जो 1 साल पुराना ये नया ये मैं पहनूंगा, मैं एकदम नया नहीं पहनने की क्षमता रखता, जबकि नया जो कपड़ा आपने आज खरीदा उसको तो आज ही पहनना चाहिए, पुराना वाली बल्कि रोक देना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति क्या है क्योंकि हम सोच में ही पुराने हो चुके हैं, तो जानते हैं भारत में बड़ी समस्या है क्योंकि हम सोच वाइज भी कई बार पुराने हो गए हैं, और सोच को नवीन करना होगा, सोचने निर्णय लेने की क्षमता बदलना होगा, ये नहीं कि आपने योजना खरीद लिया कुछ अब इसलिए जूझ रहे हैं खरीद लिया, और कई लोग कहते हैं खरीद लिया पड़ता नहीं, अब अनायास पड़ रहे हैं उसमें कोई हो सकता कोई लेख आपके लायक ना हो, आपको पता है योजना कुछ अच्छा तो है लेकिन उसमें लेख कौन लिखता है, स्टूडेंट लिखते हैं, अब कोई जरूरी थोड़ी सारा लेख में पोटेंशियल, अगर एक आध दो लेख अच्छा है पढ़ लीजिए, नहीं अच्छा छोड़ दीजिए, जितना मैगजीन और मटेरियल मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बन रहा कौन बनाता है, स्टूडेंट बनाते हैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार के जानते नौकरी पे, फिर भी मार्केट में होता नौकर दबाव कला कोटी कला ये बड़ा अच्छा है, क्या अच्छा है जी आपके जैसा ही आदमी बनाया है, हो सकता है आपसे कमजोर बनाया हो ये जान लीजिए, हो सकता है आप 10 हज़ार की नौकरी ना करें और 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाला, अब कोचिंग का नाम उस पर चिपक गया है इसलिए फला कोचिंग का कहते हैं आप,
कोचिंग का नहीं कहिए, कहिए हमारे जैसे किसी विद्यार्थी ने फला कोचिंग का मटेरियल लिखा उसको टेले पढ़ते हैं भाई। और कोई टीचर थोड़ी, कोई टेस्ट सीरीज बताइए जो टीचर बना रहा हो, लेकिन सारी टेस्ट सीरीज चल रही, कोई टेस्ट सीरीज बताइए जो टीचर चेक कर रहा हो। लेकिन सोचिए कितना बड़ा भ्रम है। मुझे 4-5 सालों से मुकदमे में बड़ा आश्चर्य लगता है कि धंधा कैसे चलता है। मतलब एक भी क्वालिटी जिसके लिए आप दिल्ली आए वो तो ना टेस्ट सीरीज बना रहा, ना टेस्ट सीरीज चेक कर रहा, ना वो मेंस की टेस्ट सीरीज बना रहा, ना चेक कर रहा, ना वो कोई मटेरियल बना रहा। वही मटेरियल के पीछे लोग पागल हैं, इतना मटेरियल मिल रहा है, इतना टेस्ट सीरीज मिल रहा है, और हर संडे टेस्ट है। ऐसी चीजें फाड़ मिल जाए जानते, जो आपके समय को खराब कर रही है तरीके से देखा जाए तो पूरा क्या है। लेकिन इतना भी चिंतन नहीं विकसित होता तो लोग जूझ रहे हैं उसी से। और कई बार तो आप आश्चर्यचकित होंगे, जिसका पीटी भी नहीं पास किया वो टेस्ट सीरीज बना रहा और चेक कर रहा, वही मेंस का पेपर भी बना रहा और चेक कर रहा। ये ऐसा बड़े स्तर पे, क्योंकि कोई कोचिंग वाला 25-30 हज़ार देता नहीं, बनाने वाले को 10-5 हज़ार 8 हज़ार देता है। तो उसमें न्यूनतम जानते क्षमता वाले स्टूडेंट काम करते हैं, अच्छी क्षमता वाले सोचते हैं क्या इतने नौकरी करना, इससे अच्छा कि अपना पढ़ करके निकल जाए। इसीलिए आप जाते जीडीपी को अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट हो गया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आंतरिक क्षमता को दर्शाता है। अच्छा नंबर दो पॉइंट ध्यान सुनिएगा, जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट लिखे किसी भी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को दर्शाता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को दर्शाता है, अर्थात कुल उत्पादन या आपूर्ति भी लिख लीजिए, कुल उत्पादन या आपूर्ति को दर्शाता है। सप्लाई, जीडीपी बराबर सप्लाई होती है, और ऐसे लिख लीजिएगा जीडीपी बराबर टोटल सप्लाई। इससे बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मामला है, मैं सुप्रीम कोर्ट का बता दूं, आप आश्चर्यचकित होंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। जानते हैं एक बार ये बात है 2011 जब अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने दिल्ली में अनशन किया मनमोहन सरकार के खिलाफ। उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल डाला गया, इसके द्वारा जो पीआईएल का खुद ही जनक रहा है। कौन पीआईएल का जनक रहा है? पीएम भगवती सर, पीएम भगवती सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जानते याचिका डाली कि भारत में महंगाई, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उसमें तमाम गाने बन रहे थे महंगाई डाइन कैसा क्या कैसे, तमाम सुन रहे हो गया, तमाम मूवी वगैरह भी बनी थी। तो उन्होंने एक पीआईएल किया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सर भारत में महंगाई की इतनी बड़ी समस्या, महंगाई जानते सामूहिक लूट है कि किसी चीज़ का महंगा हो जाना अनावश्यक, उसके लिए सबको पेमेंट देना पड़ रहा है, तो महंगाई सामूहिक लूट को दर्शाता है। तो जाते सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने ये याचिका डाली तो अल्तमस कबीर उस समय हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस भी हो गए थे, तो उनके पीठ में गई। अच्छा पीएम भगवती का था तो लोग बड़े सम्मान के साथ उसे सुनवाई हुई, सरकार को ऑर्डर पास किया गया कि भारत सरकार आकर के अपना पक्ष रखे कि भारत में महंगाई क्यों ज़्यादा है और कैसे उससे निपट सकती है, इसका जानते पॉइंट्स बताए। उस समय वाहनवती भारत की पहली मुस्लिम सी एजी थे, तो आपने जनरल थे, ई वाहनवती को बुलाया गया। ई वाहनवती जानते कोर्ट में हाजिर हुए, जज ने पूछा, कोर्ट ने पूछा कि भारत में महंगाई क्यों ज़्यादा, जानते उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई क्यों ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने, तो वाहनवती सर ने कहा कि भारत में महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। अच्छा जैसे इतना कहा, पीएम भगवती के वकील थे राम जेठमलानी और भारत सरकार के वकील एजी होता है अटॉर्नी जनरल, तुरंत राम जेठमलानी ने इसी सेंटेंस को जानते कैश कर लिया और कहा तुम पगले हो, जीडीपी बढ़ने से महंगाई कभी नहीं बढ़ सकती, तुमको इकोनॉमी नहीं आती। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या होता, आपूर्ति बढ़ना, और आपूर्ति बढ़ने से महंगाई कम होती है, कहा माननीय कोर्ट वाहनवती को एजी को रोके, इनकी इकोनॉमी क्लियर रही है। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर वाहनवती क्या आपने कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा सॉरी सर मैंने कभी नहीं पढ़ा, कहा ये तर्क कहाँ से ले आए, कहा सॉरी सर ये तर्क मैंने नहीं बनाया, सॉलिसिटर जनरल ने बनाया, तो कहा कि आप बेसिक इकोनॉमी आपकी क्लियर नहीं है, सुनवाई को रोका जा रहा है। अगले सुनवाई पर कोर्ट में वो प्रस्तुत होगा, क्योंकि एक एजी के अंदर जानते हैं दो असिस्टेंट, हाँ दो
मतलब एक एडी के अंदर दो सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल के दो अंदर दो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, ऐसे कुछ 7 लोग होते हैं। आर्टिकल 76 है इसके लिए भारतीय संविधान। तो कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि जिसको इकोनॉमी आता हो उसको बोलना आगे भेजना सुनवाई का। तो सोचिए रामजेठ मलानी ने इसी बात पर रोक दिया, कहा जीडीपी बराबर जो है जीडीपी बराबर सप्लाई होता है, और जीडीपी बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती, महंगाई तो मांग बढ़ने से बढ़ती जी, और जीडीपी मांग को नहीं दर्शाता, किसको दर्शाता है सप्लाई को। अब सोचिए उतने बड़े पद पर होते हुए उन्होंने कितना गलत सेंटेंस बोला था कि भारत में जीडीपी बढ़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही। जीडीपी बढ़ने से तो महंगाई कम होती है क्योंकि आपूर्ति बढ़ रही। हाँ, उनको ये कहना चाहिए था जीडीपी बढ़ने से रोजगार बढ़ा, रोजगार स्वरोजगार बढ़ा जिससे लोगों के पास आय बढ़ी, तो ये तर्क फिर भी स्वीकार कर लिया जाता कि जीडीपी बढ़ने से रोजगार बढ़ा स्वरोजगार बढ़ा जिसके नाते लोगों के पास आय बढ़ी और फिर मांग बढ़ गई और मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो लोग कहता कोर्ट कम से कम उनको डांटता नहीं और उनको दोबारा ये नहीं कहता कि दोबारा आप जो है किसी दूसरे को भेजिए। तो कई बार बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, अंत तक खैर उन्होंने स्वीकार किया सॉरी सर मुझे इकोनॉमी आती है और मैंने कभी पढ़ा नहीं बचपन से। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, तीसरा यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, आपूर्ति जानते किस चीज को दर्शाता है, मांग को। जैसे आपूर्ति मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का मतलब आपूर्ति करना, पढ़ने का मतलब मांग जनरेट करना। तो अगर अगर जानते हैं आपूर्ति हो रही है इसका मतलब मांग भी होगी, तभी तो आपूर्ति हो रही है, बिना मांग के आपूर्ति होती है क्या? और मांग आपूर्ति की संरचना को क्या कहा जाता है, बाजार। इसका मतलब जीडीपी किसको रिप्रेजेंट करता है, बाजार। किसी भी देश के बाजार का साइज क्या है कैसे जानेंगे, उस देश की जीडीपी। तीसरा पॉइंट लिखे जीडीपी, बाजार के आकार को, लिखे जीडीपी बाजार के आकार को प्रदर्शित करता है, जीडीपी बाजार के आकार को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस देश की जीडीपी जितनी बड़ी होती है उस देश का बाजार भी उतना ही बड़ा होता है। जिस देश की जीडीपी जितनी बड़ी होती है उस देश का बाजार उतना बड़ा होता है। अच्छा आप मुझे बताइए भारत की जीडीपी, ये तो जान ही रहे भारत की जीडीपी, भारत का बाजार पूरी दुनिया के बाजार का कितना परसेंट है? तो जीडीपी जितना परसेंट हो। अब जीडीपी में दो प्रकार की जीडीपी है, एक है नॉमिनल एब्सोल्यूट और एक है परचेजिंग पावर। तो कौन वाली जीडीपी बाजार में काउंट की जाएगी, परचेजिंग पावर। अब ध्यान सुनिएगा, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है परचेजिंग पावर के आधार पर, वैसे दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है परचेजिंग पावर पे, जी 25 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका की जीडीपी जानते कम है, 20 ट्रिलियन की है, इससे छोटी है, बढ़ गया चाइना बहुत ज्यादा, परचेजिंग पावर वाली है ये। अच्छा और तीसरे नंबर पे जीडीपी किसकी है, इंडिया। ये हम लोग का जानते 10 से ऊपर है, मतलब 13 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हम लोग तीसरे नंबर पे, हम लोग बताओ ना इसके बाद चौथे नंबर पे जापान है 5 ट्रिलियन की, बहुत कम है उसकी जीडीपी। अब देखिए अभी इस आधार पर भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का जानते कितना है, और उस आधार पर 3.2 एब्सोल्यूट अभी बाद में लिखवाएंगे। इसका मतलब भारत का बाजार पूरी दुनिया के बाजार का कितना है, लिख लीजिए इसी सेंटेंस को, तीसरे वाले सेंटेंस को पूरा करिए बाद में लिखवा। लेकिन भारत की जीडीपी खरीदने की क्षमता के आधार पर, परचेजिंग पावर के आधार पर, भारत की जीडीपी खरीदने की क्षमता के आधार पर, भारत की जीडीपी खरीदने की क्षमता के आधार पर दुनिया के जीडीपी का 7.17% है। खरीदने की क्षमता के आधार पर दुनिया के जीडीपी का 7.17% है, इसलिए भारत का बाजार पूरी दुनिया के बाजार का 7.17% है। लेकिन
इसलिए भारत का बाजार पूरी दुनिया के बाजार का कितना बोली 7.17% है। अच्छा बताइए भारत दुनिया का चौथा बाजार है, कितना कौन सा बड़ा बाजार है? अरे भारत दुनिया का तीसरा बाजार, सबसे बड़ा बाजार चीन, दूसरा बड़ा बाजार लिख लीजिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार। अभी एक क्वेश्चन आया था बहुत लोग गलत कर दिए, कोई कह रहा था चौथा बाजार, कोई पांचवा बाजार, सोचिए खाली धीरे भी नहीं मान रहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इतने पॉइंट को समझ गए? अब बेसिकली साइज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का आकार। जीडीपी का साइज दो आधार पर देखा जाता है, एक एब्सोल्यूट।